सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रतिदिन की तरह आज भी आप सभी के लिए गणित विषय के साथ फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। गणित में 9th के हमारे सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन सब ने चैप्टर 4 तक दो चरों वाला रैखिक समीकरण से संबंधित सीख लिया था। उससे संबंधित आपको क्लास ले चुके हैं, आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। आज हमारा जो 9th का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का क्या नाम है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो शब्द तो बहुत छोटा है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, लेकिन वास्तव में इसके पीछे बहुत लंबा बहुत बड़ा इतिहास है, ये समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री कैसा शब्द है, ये यूनानी भाषा का शब्द है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मीट्रिन। किससे बना है, जियो प्लस मीट्रिन। तो जियो प्लस मीट्रिन मतलब, जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, और मीट्रिन मतलब मापना, मतलब पृथ्वी को मापना, पृथ्वी से के मापने से संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं वे हमारे क्या हैं, ज्योमेट्री के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। अब इसको चैप्टर को यूक्लिड, नाम तो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति हमको पढ़नी है, लेकिन इससे पहले हमें और भी कुछ बहुत सी जानकारी हमको जुटानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। अब गणित की मलिया इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक सभ्यताओं द्वारा भी किया गया, जैसे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, भारत हो या यूनान हो, सभी ने क्या किया, ज्योमेट्री का सबने प्रयोग किया, लेकिन उसका साक्ष्य कहाँ कितना कैसा मिला, किसका हमको प्रमाण मिला, किसका नहीं मिला, ये सब हम जानने का विषय है। जैसे उदाहरण के लिए ज्योमेट्री का पहले लोग कैसे प्रयोग करते थे, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हुआ, तो कहते हैं कि जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो विभिन्न भूमि स्वामियों के संलग्न खेतों के बीच परिसीमाओं को अपने साथ बहा ले जाती थी, मतलब खेत की जो सीमाएं थी वो क्या हो जाती, बह जाती थी। तो क्या करते थे सभी इस लोग क्या करते थे, इन सीमाओं को जो बाढ़ में जैसे खेतों की सीमाएं बह गईं, इन सीमाओं को बनाने के लिए क्या करते थे, मिस्रवासी जितने थे पुनः बनाते थे, और बनाने के लिए क्या करते थे, एक सरल क्षेत्रफल की विधि अपनाते थे, क्षेत्रफल की क्या विधि अपनाते थे, एक सरल विधि अपनाते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय से, प्राचीन काल से ही इस ज्योमेट्री का बहुत प्रयोग हुआ, लेकिन उसका आगे साक्ष्य कहाँ कितने मिल रहे हैं ये जानने की बात है, विषय है। ये भी कहा गया है कि विश्व के लोग क्या करते थे, पिरामिड का भी निर्माण करते थे, और पिरामिड की जो आकृति होती है वो 3D होती है, वो बनाते हैं ऐसे ही। लेकिन क्या इस बताया कि जो आकृति बनती थी एक वर्ग या बहुभुज के आकार की, किस तरह की, जिसका आधार कैसा होता था, एक त्रिभुज का होता था, या वर्ग या अन्य बहुभुज होता था, जिसके पार्श्व फलक कैसे होते थे, एक बिंदु पर मिलते एक त्रिभुज के जैसे होते थे। तो ज्यामिति में बहुत अथाह क्षेत्र आता है, बहुत कुछ आता है जिसमें हमको बहुत कुछ सीखना है। ज्यामिति एक शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है ज्यामिति। इसके अंतर्गत जितने भी ज्यामिति संबंधित टॉपिक हैं वो सब हम सीखते हैं इसी ज्यामिति के अंतर्गत। अभी हम यूक्लिड की ज्यामिति की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ज्यामिति शब्द जो है उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये भी कहा गया है भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनकी खुदाइयों से भी ये पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो लगभग 3000 वर्ष पूर्व थी, 3000 ईसा वर्ष पूर्व थी, ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। यह एक उच्च कोटि का संगठित समाज था, शहर अत्यधिक रूप से कैसे थे, विकसित थे। अगर हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की बात करी जाए तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, अन्य कई जगह भी पढ़ा होगा कि नगरवासी बड़े व्यवस्थित रूप से रहते थे, उनमें जो ईंटें लगी थी उनकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात था वो 4:2:1 का अनुपात था। अभी ये सब क्या है, ईंट से संबंधित उसकी माप निकालना और ये सब क्या है, तो सब ज्यामिति ही, ज्यामिति के बारे में ही हमको सीखना है। लेकिन भारत भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहा, भारत ने भी ज्यामिति से संबंधित बहुत सी बातें, बहुत से प्रूफ, बहुत से प्रमाण पहले ही मिल चुके थे, लेकिन उनका प्रचुर मात्रा में क्या करते हैं, वर्तमान समय में उपयोग ना हो पाया। इसलिए कहा कि प्राचीन भारत में शुल्ब सूत्र, इस शुल्ब सूत्र
जो होते हैं, आपने वैदिक में भी पढ़े हैं, ठीक, क्या है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। कुछ ग्रंथ मिले हैं, उनमें क्या मिले हैं, शुल्ब सूत्र मिले। तो उनमें क्या है, इनका भी प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ज्यामिति के लिए ही किया जाता था। और उस समय जो शुल्ब सूत्र थे, इनका कहाँ पे कैसे क्या, जैसे यज्ञ की वेदियाँ बनती थी, हवन कुंड बनते थे, तो अग्नि के जो अग्नि कुंडों का निर्माण किया जाता था, वो सब ज्यामिति के अंतर्गत ही आता था। ऐसे ही कई हमको प्रमाण मिले हैं ज्यामिति से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स, कौन थे, थेल्स थे, एक गणितज्ञ थे, कहाँ के थे, यूनान के थे, थेल्स थे, कहा जाता है उन्होंने सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की। यह उत्पत्ति इस कथन की थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। थेल्स ने सबसे पहले, मतलब इससे पहले अन्य जगह अन्य ग्रंथों में भारत में हर सभ्यताओं में ये प्रमाण मिल चुके थे, लेकिन लिखित में किसने ज्ञात उत्पत्ति दी कि वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास होता है, मतलब केंद्र वो है, यह वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। एक ज्ञात उत्पत्ति सबसे पहले किसने दी, थेल्स ने दी। फिर बाद में कहा जाता है थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था, पाइथागोरस, क्या नाम आया है, पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, 6-7 में कहीं पाइथागोरस में भी आपने उसको पढ़ी है आप लोगों ने। तो कहा कि सबसे प्रसिद्ध जो पाइथागोरस 500, इसकी समय कितना था, 572 ईसा पूर्व, ठीक, पाइथागोरस हुए, जिनका नाम आपने अवश्य सुना। और कहा कि पाइथागोरस और उनके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की। साथ साथ ये भी जानने की बात है, यह प्रक्रिया 300 ईसा वर्ष तक जारी रही। इस समय मिस्र में कहा कि एक गणित के शिक्षक यूक्लिड, अब बात हम पढ़ते हैं यूक्लिड की, यूक्लिड के बारे में हमको पढ़ना है। कहा कि जो गणित के अलेक्जेंड्रिया के थे, कहाँ के, ये यूक्लिड की जो ज्यामिति हमको पढ़ना है, यूक्लिड चैप्टर जो हमको पढ़ना है, ठीक है, यूक्लिड ये कहाँ थे, अलेक्जेंड्रिया के थे, अलेक्जेंड्रिया के गणितज्ञ थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम था, एलिमेंट्स, कहा कि एक पुस्तक ग्रंथ के रूप में इन्होंने व्यवस्थित किया, 13 अध्याय थे इसमें। और पुस्तिका, कहा कि प्रत्येक पुस्तिका माना जाता है, इन पुस्तिकाओं से समस्त विश्व की ज्यामिति संबंध समझ में आने वाली पीढ़ियों को प्रस्तावित किया, मतलब लिखित रूप में इन्होंने क्या किया, इस ज्यामिति का पूरा तरह से लिखित विवरण इन्होंने दिया था। किसने, यूक्लिड ने, एलिमेंट्स नामक जो अपना प्रसिद्ध ग्रंथ है, किताब है उसमें। तो कुल मिला के ज्यामिति का क्षेत्र बहुत विशाल है, और हमको सिर्फ यहाँ क्या पढ़ना है, यूक्लिड की ज्यामिति, क्योंकि लिखित रूप में इन्होंने जब हमको दिया तो हमको यूक्लिड की ज्यामिति पढ़नी है। यूक्लिड की ज्यामिति, यूक्लिड की अवधारणाएँ, यूक्लिड की परिभाषाएँ, ये सब हमको इस प्रमेय में, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट्स नामक जो पुस्तक थी उसमें 23 परिभाषाएं देकर दिया दी इन्होंने। इनमें से कुछ परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। तो परिभाषाएं क्या है, यूक्लिड की परिभाषाएं, सबसे पहले तो यूक्लिड की परिभाषाएं, ठीक, नंबर 1, पहली परिभाषा, कहा कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। उन्होंने पहला जो दिया था कि एक बिंदु वह है
एक बिंदु, बिंदु का मतलब पॉइंट। वह जिसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक, बिंदु क्या होता है? जिसका कोई भाग नहीं होता है। ऐसे ही अपबिंदु है तो पॉइंट मतलब पॉइंट, क्या कोई भाग होता है, कोई भाग नहीं होता है। नंबर दो, इन्होंने क्या बताया? कहा कि एक रेखा चौड़ाई रहित होती है, मतलब उसमें लाइन होगी, जो रेखा होगी, एक रेखा अर्थात लाइन, ठीक, चौड़ाई रहित होती है, मतलब रेखा में चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई रहित होती है, मतलब चौड़ाई नहीं होती। चौड़ाई रहित का मतलब चौड़ाई नहीं। ठीक, नंबर तीन, अगली परिभाषा क्या है? कहा है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। कोई एक रेखा है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ठीक, जैसे अब जैसे एक रेखा है, क्या इसमें कोई लंबाई, लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं। कोई रेखा है, उसके सिरे क्या होंगे? उसके बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिंदु कहलाते हैं। अगली परिभाषा क्या? कहा कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो उसको हम आपको लिखते नहीं, ऐसे समझाते चलते हैं। जैसे सीधी रेखा है तो क्या है, बिंदुओं के साथ एक सपाट रूप से चलती रहती है, मतलब एक तल में सभी बिंदुओं और सीधी रेखा में, सीधी रेखा में रहते हैं, तो उसके सपाट रूप में होती है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, जैसे एक बोर्ड है। अगला जो चौथा पॉइंट हमारा है, पांचवा, तो एक जैसे कोई पृष्ठ है, जैसे हमने बोर्ड सामने ये बोर्ड बना लिया, इसको देख लीजिए, तो बोर्ड में क्या है, लंबाई है और क्या है, सिर्फ चौड़ाई है। तो पृष्ठ वह होता है जिसमें क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। दूसरा, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, जैसे मान लिया बोर्ड है तो उसके किनारा देखिए क्या एक रेखा के रूप में है। इस तरह से पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, रेखाएं होती हैं। कहा है कि समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। समतल पृष्ठ में क्या होती हैं, बहुत सी रेखाएं या सीधी रेखाओं से मिलकर वो बन जाता है। इस तरह से इन्होंने बहुत सी परिभाषाएं हैं तो दे रखी थी, जिनमें से हमने आपको कुछ परिभाषाएं समझाई थी। अब अगला है अवग्रहित और अवधारणाएं, यूक्लिड के अवग्रहित और अवधारणाएं, तो इनको समझ लीजिए आप पहले। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड की अवग्रहित और अवधारणाएं। अवग्रहित को क्या बोलते हैं, एक्सियम्स बोलते हैं। यूक्लिड के क्या कहलाते हैं, एक्सियम्स कहलाते हैं। ठीक, अवधारणा को क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं। अविग्रहित, ठीक, यूक्लिड के अविग्रहित, ठीक, इसको बोलते हैं ऑब्जियम्स। क्या बोलते हैं? ऑब्जियम्स। यूक्लिड के एक्सियम्स क्या होते हैं, यूक्लिड के एक्सियम्स या अवग्रहित। ठीक, तो सबसे पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो हम आपको सिर्फ पहला अवग्रहित इसका है, कहा कि वे वस्तुएं जो एक एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के आपस में क्या होती हैं, बराबर हों। जैसे कोई मान लिया ए है, एक वस्तु है, यह मान लिया x के बराबर है, और एक दूसरी वस्तु b है, ये भी x के बराबर है। तो ये इस अवग्रहित में कहा है कि ये वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो ये हो गया पहला अवग्रहित यूक्लिड का यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। दूसरा अवग्रहित क्या है, कहा कि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, जैसे मान लिया हमने क्या किया,
इक्वल बी है, ठीक, ये बराबर है, दोनों दे रखे हैं, कहा कि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, तो पूर्ण भी आपस में कैसा हो जाता है, ए और बी आपस में बराबर है। और मान लिया अगला हमारा कोई पॉइंट है सी और डी, ठीक, या हम ऐसे कहें कि बराबर है, इनमें हम कोई और बराबर चीज जोड़ दें, तो हमने ए प्लस एक्स कर लिया, ऐसे बी प्लस एक्स कर लिया, तो बराबर बराबरों में अगर बराबर जोड़ दिया जाए, कहा बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए, तो पूर्ण भी क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। अगला कहा यदि बराबरों को बराबर बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं, ठीक। इस पहले दूसरे प्रमेय को देख लीजिए, अगर मान लिया दो चीज़ें बराबर है, ठीक, और ये बराबर है, अब अगर हमको जोड़ रहे हैं तो a प्लस सी पूर्ण हो जाएगा, इधर b प्लस डी पूर्ण हो जाएगा, तो ये पूर्ण भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। अगर मान लिया बराबरों को बराबर में घटाया जाए, बराबरों को बराबर से घटा दिया जाए, तीसरी देख लीजिए घटाने वाली, जैसे मान लिया a और b बराबर हैं, c और d बराबर हैं, हम इनको आपस में घटाएं, a में से c और b में से d, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके बराबर भी कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे, शेष भी बराबर होंगे, घटा अंतर भी क्या होगा, बराबर होगा। अगला क्या है, ये वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं, संपाती हों और एक दूसरे के बराबर होती हैं, चौथा है, जैसे कोई एक वस्तु है और इस पर एक ऐसी वस्तु रख दें जो बिल्कुल इसको ढक ले, ठीक, एक दूसरे को ढक ले, पहले को दूसरी वस्तु, दूसरी को पहली वस्तु, तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु कैसी है, आपस में बराबर है। पांचवी क्या है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पांचवा यूक्लिड का अवग्रहित है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, जैसे मान लिया x है, ये पूर्ण है, और इसका मान लिया हम आधा भाग ले लें, कितना ले लें, आधा, अर्थात मतलब x बटे दो आधा भाग ले लिया, ठीक है, जैसे मान लिया इतना है और इसका आधा भाग हमने ले लिया, ठीक, तो ये आप देख लीजिए जो पूर्ण है अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है, पूर्ण क्या होता है, अपने भाग से बड़ा होता है, ये यूक्लिड का पांचवा अवग्रहित है। अगले अवग्रहित अवग्रहित में बढ़ते हैं, कहा कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तु है, मान लिया एक जैसी वस्तु, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, जैसे मान लिया ये आपका अवग्रहित कौन सा है, ए है वस्तु, ठीक, और ये मान लिया बी वस्तु है, और दोनों वस्तु क्या है, एक ही, तो हम अगर इनके दुगने करें 2a और इसका दुगना करें 2b, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर ही रहते हैं, तो कहा एक ही वस्तु है, एक ही वस्तुओं के अगर एक जैसी वस्तुएं हैं, समान वस्तुएं हैं, तो उनके दुगने भी कैसे हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगला क्या कहा है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, जैसे कोई वस्तु हमारी एक जैसी है, एक जैसी मतलब एक समान, तो इनका आधा कर दें, तो इनके आधे भी कैसे होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं, ये यूक्लिड का सातवां अवग्रहित। तो इस तरह से यूक्लिड के कितने अवग्रहित आपने सीख लिए, सात अवग्रहित आपने देखे। अब कुछ चीज़ें हमको और सीखनी है, जैसे अब यूक्लिड की पांच अवधारणाओं की चर्चा करते हैं, तो यूक्लिड की पांच अवधारणाओं को हमें सीखना है, तो पांच अवधारणाएं यूक्लिड की क्या होती हैं, अभी यूक्लिड के एक्सियम्स थे, अवग्रहित थे, अब यूक्लिड की अवधारणाएं हमको सीखनी है, पास्टुलेट्स, ठीक है, यूक्लिड की अवधारणाएं। यूक्लिड की अवधारणाएं, अभिधारणाएं होता है, क्या होता है, अभिधारणाएं, अभी अभिधारणाएं, पास्टुलेट्स।
प्लेट्स आपके प्लेट क्या क्या है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। पहली अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कोई एक बिंदु है, एक अन्य बिंदु है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ए यूक्लिड की पहली अवधारणा है। तो आप देख लीजिए, मान लिया बिंदु ए है और ए बिंदु बी है, तो इसे क्या है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ए यूक्लिड की पहली अवधारणा है। एक बिंदु हमने मान लिया ये बिंदु सी है, एक बिंदु डी है, तो दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं से क्या सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसको यूक्लिड की क्या बोलते हैं, अवधारणा बोलते हैं। पहली अवधारणा हो गई यूक्लिड की। दूसरी अवधारणा क्या है यूक्लिड की, इस अवधारणा से एक अवग्रह भी निकल रहा है कि एक दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा, अद्वितीय का मतलब अकेली, इकलौती एक ही, मतलब दो बिंदु हैं भिन्न भिन्न, तो उनसे सिर्फ क्या है, एक ही रेखा या अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक, जिसके जैसा दूसरा ना हो। अब बढ़ते हैं अवधारणा नंबर दो पे। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अवधारणा दो, ये रेखा देखिए ए वन ए बी, क्या है ए बी। अब ये शांत रेखा है, तो इन्होंने कहा एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आप बढ़ा सकते हो। इधर बढ़ा दें चाहे तो हम इसको इधर बढ़ाते हुए चले जाएं। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से क्या करा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये यूक्लिड की दूसरी अवधारणा। तीसरी अवधारणा क्या है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज को केंद्र मानकर और कोई भी त्रिज्या लेकर आप वृत्त खींच सकते हो। ये उन्होंने कहा है तीसरी अवधारणा के लिए। कोई भी त्रिज्या ले लो, किसी को मान लिया यहाँ पर, उसको केंद्र मान लें और केंद्र मान के इसे खींच लें, तो ऐसे क्या है, जब खींचोगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ये यूक्लिड की तीसरी अवधारणा है। चौथी अवधारणा क्या है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चौथी अवधारणा, जैसे मान लिया हमने एक समकोण है ए बी सी, ए सी भी समकोण है, एक अन्य समकोण हमने ले लिया, समकोण मतलब 90 अंश का कोण पी क्यू आर, तो ये समकोण कैसे हो गए बराबर, कोण सी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू हो गया। तो कहा कोई समकोण हो, सभी समकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये अवधारणा नंबर चार। अवधारणा पांच को समझते हैं। अवधारणा पांच में क्या क्या रखा है, इसको समझना ध्यान से आपको। अवधारणा पांच कहा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। समझना है आपको क्या, एक सीधी रेखा, सवाल को जरा अवधारणा को जरा ध्यान से आप पढ़ लेना, ये बुक आपके पास होगी, समझना आपको इधर है। तो क्या है, क्या एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे। अवधारणा पांच इंपॉर्टेंट है, बहुत सीधी रेखा है, एक ऐसी दो सीधी रेखाएं हो गई, ठीक है। ए बी हमने मान लिया, सी और डी मान लिया, तो एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा, ए बी सीधी रेखा, ए बी सीधी रेखा, इस प्रकार गिरे, ठीक। एक हमने इसको क्यू पॉइंट ले लिया, इसको हमने इसको क्यू पॉइंट ले लिया। एक सवाल में कहा, इसमें अवधारणा नंबर पाँच में कहा है, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि इन दोनों कोणों का
इस प्रकार मतलब इस प्रकार अंतः कोण बनाया, क्या बनाया, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार एक ही ओर के अंतः कोण बनाए, इस प्रकार के अंतः कोण बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। मतलब कोण कौन सा हुआ हमारे पास, देखिए P कौन सा, ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू और प्लस कोण सी क्यू पी, ठीक, या हम इसको कह रहे हैं x या वाई मान लें, तो कह रहे हैं x प्लस कोण y। कहा कि दो समकोण से कम हो, दो समकोण का मतलब कितना हुआ 180। 180 से अगर कम है, अंतः कोणों का योग 180 से कम हो तो वे दोनों रेखाएं, दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग जो है दो समकोणों से कम है। अर्थात एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं के साथ इस प्रकार के अंतः कोण बनाए कि उनके द्वारा बने अंतः कोणों का योग 180 से कम हो, तो जिधर 180 से कम होगा इन रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों रेखाएं उसी ओर मिल जाएंगी जिधर योग कम है। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, अवधारणा को, जैसे मान लिया दो रेखाएं इस तरह दे रखी और एक रेखा इनको काट रही है, अगर ये है अंतः कोण, जैसे मान लिया एक्स और वाई, एक्स और प्लस वाई का योग अगर 180 से कम है तो जिधर योग कम होगा, जैसे मान लिया इधर इधर देखिए योग कम है, तो इधर इनको जब आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और जिधर योग क्या होगा अधिक होगा तो उधर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और जिधर योग 180 के बराबर होगा वहाँ पर रेखाएँ कैसी हो जाएंगी, परस्पर समांतर हो जाएंगी। तो यह है यूक्लिड की कौन सी अवधारणा हुई, पांचवी अवधारणा भी यूक्लिड की, यूक्लिड की अवधारणा कौन सी है, पांचवी अवधारणा। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमने फिर से एक बात समझ लीजिए, ये पांचवी अवधारणा इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड ने बताया कि दो रेखाओं को काटती हुई एक तीसरी रेखा इस तरह से वो अंतः कोण बनाए और अंतः कोणों का योग जो है वो 180 से कम रहेगा तो ये रेखाएं काटेंगी उस तरफ, ठीक, दोनों रेखाएं काटेंगी पहली वाली, और अगर यही योगफल, यही अंतः कोणों का योगफल 180 से क्या आया, अधिक, तो ये रेखाएं उस तरफ नहीं काटेंगी, और यही अंतः कोणों का योगफल क्या आ गया, 180 आ गया, तो वे दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, कैसी रेखाएं हो जाएंगी, परस्पर समांतर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने यूक्लिड की क्या सीखी, ज्यामिति का परिचय आपने सीखा, यूक्लिड की ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति से संबंधित कुछ तथ्य और भी हैं, प्रश्न और भी हैं, इनको हम जब बुक से पढ़ेंगे तो आप को अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आपने जो इस तरह से अवधारणा का प्रयोग करके आपने सीख लिया, स्टेटमेंट क्या होता है वास्तव में वो मैंने आपको समझाया, यूक्लिड के क्या होते हैं अवग्रहित वो हमने आपको समझाया कि वास्तव में मतलब किस अवग्रहित का क्या मतलब है, ये आपने अच्छी तरह से सीख लिया। आज के लिए बस इतना ही, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आज आपने सीखा, अगली वीडियो में आपको इससे संबंधित या अन्य कोई टॉपिक लेकर पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।